आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच 59वां मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई की पूरी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 97 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दम नहीं दिखा पाया। कप्तान धोनी ने अकेले ही नाबाद 36 रनों की पारी खेली। इसी हार के साथ अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है और अब सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि क्या थाला एमएस धोनी अगले सीजन भी चेन्नई की टीम का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। धोनी ने आईपीएल 2022 के 12 मैचों में 39.8 की औसत और 130 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 199 रन बनाए हैं। ऐसे में सभी फैंस चाहते हैं कि धोनी एक और सीजन कप्तान नहीं तो खिलाड़ी के तौर पर खेल ले। लेकिन अब धोनी के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाज शोएब अख्तर ने धोनी के आगे के प्लान के बारे में बताया है। अख्तर ने बात करते हुए कहा कि अगर वो चाहते हैं तो वो अगले सीजन में खेलना जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो खेलना जारी नहीं रखना चाहते हैं तो वो एक सलाहकार या यहां तक कि मुख्य कोच के रूप में भी लौट सकते हैं। ये उनके लिए एक बुरी भूमिका नहीं होगी। ये सब धोनी पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं। इसके बाद अख्तर ने आगे बात करते हुए कहा कि सीएसके का मैनेजमेंट इस बार गंभीर नहीं लग रहा था। कप्तानी जडेजा के पास क्यों गई हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें अगले सत्र में ज्यादा स्पष्टता के साथ वापस आने की जरूरत है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि एमएस धोनी हर बार ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें वो सभी फैंस को चौंका देते हैं। अगर ये सीजन एमएस धोनी का आखिरी सीजन भी होता है तो भी एमएस धोनी शांति के साथ ही आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उनके रिटायरमेंट लेते ही चेन्नई सुपर किंग्स की दीवानगी खत्म होनी तय है, क्योंकि धोनी है तो चेन्नई है, ये बात सभी जानते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।